YouTube चैनल आर के व्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है सभी का। और गाइस आज का जो टाइम है, जो डेट है, वो हो चुका है सुबह के 5:30 बज चुके हैं। और आज जो डेट है वो 31 तारीख है, 31 नवंबर। हाँ, 31 अक्टूबर। नवंबर तो कल से स्टार्ट होगी, 1 नवंबर कल से स्टार्ट होगी। और आने वाले दिवाली के टाइम आ चुके हैं अच्छे से, और सर्दी भी पूरी तरीके से अच्छे से बढ़ चुकी है। मुझे तो पता नहीं था कि इतनी सर्दी पड़ेगी क्या, मैंने तो जैकेट पहन गया था बट मुझे पता नहीं था। तो सर्दी अभी लग रही है मुझे, क्या करूं। बट अपन ने जो फॉग लाइट लगवाई, आपने जो पिछली वाली वीडियो में अपने देखी थी जिसमें अपन ने फॉग लाइट, क्रैश गार्ड वगैरह सब कुछ लगवाया था, सर्विस भी करवाई थी, तो ये फॉग लाइट का वो नज़ारा है। क्योंकि अपन एक और फॉग लाइट लगवाएंगे, क्योंकि अपने को आने वाले टाइम में एक बढ़िया वाली राइड करनी है, तो उसमें फॉग लाइट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या है, ये जो फॉग लाइट आपको दिख रही है, जो सामने चल रही है, इसमें दो कलर है, एक तो वाइट और एक येल्लो, दोनों कलर है। तो मैं आपको वाइट तो जलती हुई दिख रही है, अब मैं आपको येल्लो भी दिखाता हूँ। ये देखो, तो गाइस ये येल्लो कलर है, मतलब कि ये येल्लो कलर आप अगर कितनी भी धुंध दो तो उसके अंदर कोई इशू नहीं आता, मतलब कि दिखता है साफ साफ येल्लो कलर में, ये इशू है और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपन आज चल रहे हैं गढ़ गणेश के चल रहे हैं, क्योंकि एक संडे राइड के भी मैं सोचा कि एक राइड करते हैं, कोई ना कोई कहीं चलते हैं, तो सोचा कि गढ़ गणेश ही चलते हैं, क्योंकि काफ़ी गया हुआ नहीं हूँ मैं। काफ़ी टाइम पहले गया था, जब मैं छोटा था उस टाइम गढ़ गणेश गया था, बट याद नहीं है। तो मैं सब भी अपने साथ ज्वाइन होंगे, मयंक चौधरी को अपन ने फ़ोन कर दिया, बोला अजमेरी गेट मिल जाऊँगा, और बाकी पंकज भैया को अपन पिक करेंगे, फिर वहाँ से निकलेंगे। आ चुके हैं अपन चांदपोल की, ये जो चार दरवाजे है वहाँ आ चुके हैं। अभी आपको वीडियो बनाऊंगा जब अपन धनतेरस में यहाँ पे आएंगे, धनतेरस है छोटी वाली पाएंगे, तो जितनी भी आपको सो गाइस आ चुके हैं अपन गणेश जी के आ गए अपन, और अब निकले रहे हैं यहाँ से। मेरे भी 100-150 सीढ़ियाँ, बोल रहे हैं कि 100-150 सीढ़ियाँ हैं चढ़ रहे हैं, पता लग रहा है। तो अभी तो 10 सीढ़ी भी नहीं चढ़ी जिसमें सांस भर गई, सो चलते हैं आगे। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा भी लग रहा है और खराब बोल नहीं सकते क्योंकि भगवान के दरबार में है। सो गाइस ओनली फॉर 15 से 20 मिनट हुए होंगे, ज़्यादा नहीं हुए, आवाज़ से बोला नहीं जा रहा। आप सब पसीना देख रहे होंगे ऊपर, कितना पसीना आ गया है। 15 से 20 मिनट हुए होंगे बट अपन बिना रुके चढ़े हैं ऊपर। बोल रहे आप उस वाले रास्ते से, हम दूसरे वाले रास्ते से आए, और आप उस वाले रास्ते से आ जाते और भी परेशान हो जाते। मैं बोला भाई वीर हनुमान जी से इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि वीर हनुमान जी में कम से कम 1 से 1.25 घंटा लग जाता चढ़ने में, क्योंकि लगभग अप्रोक्सीमेट 1100 सीढ़ियाँ हैं वीर हनुमान जी में, बट उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। बट कोई नहीं, क्या व्यू है सुबह का, मतलब कि उस सामने देखिए सनराइज़ हो रहा है कितना शानदार, मैं आपको उसका शॉट लेके दिखाऊंगा। और बाकी पूरा जयपुर है, अगर अब मैं यहाँ पर रात को आऊँ और ये देखूँ ना तो बहुत ही शानदार लगे, क्योंकि क्या है दिवाली का टाइम है, और यहाँ पर मैं आपको बताया था कि लाइटिंग इतनी ख़तरनाक होती है,
तो दिखाऊं तो बहुत ही शानदार लगे। लेट्स गो, आगे चलते हैं और आपको बता दें। सो गाइज, अपन आ चुके हैं गढ़ गणेश के पूरे टेंपल पे और अभी जो है ये पट बंद है अभी यहाँ पर। जब मैं 9th या 8th क्लास में था जब आया था यहाँ पे, उसके बाद आज आया हूँ। जब भी मैं फर्स्ट टाइम आया था जब भी पट बंद थे उस टाइम, क्योंकि सुबह सुबह आया था और आज भी बंद है। और यहाँ से व्यू देख पा रहे होंगे, काफ़ी गजब व्यू है। ये देखिए, पिछले 500 घंटे से बोल रहा है कि फोटो खींचो फोटो खींचो फोटो खींचो, कब तक खींचेंगे तुम्हारी फोटो है बताओ। चाटा दूंगा कुछ देर से, खींचा रहा है मेरी ले नहीं रहा। सो गाइस, आखिर आ चुके हैं अपन गढ़ गणेश और अब टाइम हो चुका है, एक मिनट, टाइम हो चुका है 7:17। बोलते हैं कि 7 बजे पट खुल जाते बट 7:00 बज चुके हैं, बट 7:17 हो चुके हैं। अंदर आरती हो रही है तो अब पट खुलेंगे, अगर हो सका, अगर अंदर फोन अलाउड है तो आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि क्या कैसे दर्शन करते हैं, कैसे सब कुछ आपको बताएंगे। सो लेट्स गो, पीछे देखो वो जो भीड़ लग रही है वो इसी चीज़ की लग रही है। सो दर्शन करके, सो अंदर फोटो जो फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, वीडियोग्राफी भी अलाउड नहीं, कोई अलाउड नहीं, फ़ोन ही अलाउड नहीं है। अभी क्या है, एक आंटी फ़ोन हाथ में था, बोलते फ़ोन अंदर रख लो, फ़ोन अलाउड ही नहीं है, अंदर ही रख लो। और अंदर पेटीएम का स्कैनर लगा रखा है, फ़ोन तो वहाँ पर भी चलेगा ना। चलो कोई नहीं, बाकी सारे दर्शन करके यहाँ पर बैठे हैं। अब सोचा कि कुछ खाएँगे, कुछ स्प्राउट्स वगैरह कुछ खाएँगे, सो वहाँ बैठे अपने सारे भाई लोग, चलते हैं वहाँ।